नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। फर्रुखाबाद में चल रहा नारायण साकार हरि का मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आज सातवें दिन नारायण साकार हरि ने अपनी वाणी के माध्यम से बताया कि यहां पर कोई ढोंग पाखंड आडंबर फूल माला प्रसाद का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं है। यहाँ पर तो नारायण साकार हरि के दर्शन मात्र से ही व ब्रह्मवाणी से ही कल्याण हो जाता है। आगे उन्होंने बताया कि यहाँ मानव को मानव से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जागो और जागते रहो। जो लोग मानव जाति में ढोंग पाखंड आडंबर फैलाकर मानव जाति में विघटन पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों की तो संसार में दुर्गति निश्चित होनी है। संसार में मनुष्य का जीवन पाकर मनुष्य से प्रेम करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो हरि परमात्मा के प्यारे होते हैं। हरि परमात्मा किसी का बुरा नहीं करते। अगर बुरा होता है तो मनुष्य के कर्मों के अनुसार होता है। आगे नारायण साकार हरि ने बताया कि मनुष्य को संसार में रहकर अपने जीवन यापन करने के लिए धन की जरूरत होती है, लेकिन संसार में रहकर धन भी कमाना है तो ईमानदारी का होना चाहिए। अगर आपने बुरा कर्म करके धन कमाया है तो वो कभी भी आपके काम नहीं आ सकता। इसलिए परमात्मा से डरते हुए ईमानदारी से कर्म करने चाहिए। आगे नारायण साकार हरि ने अपनी वाणी के माध्यम से बताया कि हम कोई बाबा नहीं है, कोई साधु संत नहीं है, कोई उपदेशक भी नहीं है। हम तो एक हलकारा चौकीदार हैं जो आपको जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसका अनुसरण करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए तथा कर्म में ढालना चाहिए। आप इतना कर लेंगे तो आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए सार्थक हो जाएगा, यानी खुशियों से भर जाएगा। पांडाल में चारों तरफ नारायण साकार हरि की जय जयकार हो रही थी। पूरा पांडाल नारायण साकार हरि के जयकारों से गूंज रहा था। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो के जय घोष चारों तरफ गूंज रही थी। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। मोती जवाहरा का हम कहीं से लेते नहीं, किसी का भोजन दूध दही भी फल फ्रूट ड्राई फ्रूट किसी से नहीं लेते न खाते। हमारे नाम राजा है, जमीन राजा है, उससे खेतों से बहुत मिलता है, इतना ही खर्चा करें तब भी काम बढ़िया चलता है। दूसरे जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे, सत्य के साथ में पहुंचे तो दिमाग में मन मस्तिष्क में भली भांत बसा लो। आप जो स्वयं को मान बैठे, आप हिंदू मुस्लिम से ईसाई नहीं, आप ब्राह्मण शक्ति के शुद्ध नहीं है, क्यों ऐसा वैदिक काल का इतिहास बताता है, पौराणिक इतिहास बताता है, आपने अपनी पहचान जो बना रखी है स्त्री पुरुष हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण छत्ती वैश्य वो न हो गए ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप तो यार परमात्मा की रूप ही, जब परमात्मा की कोई जाति नहीं तो तुम्हारी भी कोई जाति। यहां मानव धर्म सत्य था है और मानवता भाईचारा अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना और एक धागे में प्रोकर, एक धागे में प्रोकर इंसानी द्वारा कर्म करना, मानवता को धारण करते हुए इस संसार रूपी समाज
आपका कोई दुश्मन था ना है ना ही दुनिया में। जब हम व्यक्तिगत स्वार्थ में डूब जाते हैं तो स्वार्थ में डूब जाने के कारण जो भी हम विचार करते हैं और विचारों के तहत जो कर्म करते हैं हम स्वयं अपने दुश्मन बन जाते हैं। किसी पर उंगली उठाना न्याय संगत नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं अगर आप दुनिया की जानकारी करते रहेंगे और आपने अपनी जानकारी नहीं की तो बाबूजी अपने पैर में बीते की कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। क्यों? दुनिया की जानकारी करते करते अंधमता शुभ था। वेदों में शास्त्रों में पुराणों में धर्म ग्रंथों में साधु संत महात्मा शंकराचार्य महोदय सबकी वाणी से निकल के आया है। अगर हम संसार की जानकारी में संलिप्त रहे अंतमता सो गया। हमने कई विद्वानों से पूछा, हमने तो बचपन में खेती बाड़ी किए, किसान है, खेती बाड़ी की बात बता सकते हैं और आप समझ सकते हैं। हम कोई भाषण देने नहीं आते हैं, कोई स्पीच देने नहीं आते हैं और आप देख रहे हैं जहां हम बैठे हम तो एक हरकारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं और हम हरकारा चौकीदार की चौकी है आवाज देते आए हैं। जागो जाग के और बदले में आज तक हमने किसी से कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। आप सभी महापुरुषों की बात जानते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या नहीं कहते हैं उस विषय में सुनने सुनाने की जरूरत नहीं रहना चाहिए। जिसको जल तो जल है, जिसको शुद्ध जल पीने की आदत है, जहां उसे शुद्ध जल मिलेगा वो वहां पीने के लिए पहुंचेगा कब? जब उसे प्यास लगी होगी तब। इस रंग की दुनिया में रहते रहते आपके जीवन की आयु कहां तक पहुंच चुकी है तो यहां पर आपने देखा है शुरू से एक गुलदस्ता में कई रंगों के फूल होते हैं लेकिन एक गिलास में लगा के जाते हैं उसे गुलदस्ता कहते हैं, फिर फूल का नाम नहीं लेते। इसी प्रकार एक बात और समझने की, तमाम ये गमले रखे हुए समझो और इनमें आर्टिफिशियल फूल लगे हुए हैं जो प्लास्टिक से निर्मित होते हैं, वो फूल लगे हुए हैं। इनमें खाद या पानी लगाने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे लगे। इसी प्रकार मान के चले 100 गमले हैं और 100 गमलों में आप आम के पौधे लगा दीजिए, अमरूद के लगा दीजिए, जिसके चाहो लगा। एक किसान ने 2 पौधे आम के अपने खेत में लगा के उपजाऊ खेत है, वो वहां 2 पौधों की देखभाल कर रहा है और जिसने अपनी कोठी में 100 गमले लगाए हुए हैं सुबह शाम परिवार के सभी सदस्य देखभाल करते हैं, निराई गुड़ाई भी करते हैं, फर्टिलाइजर भी लगाते हैं, सिंचाई भी करते हैं। समय आने पर वो पौधे कब फूलेंगे, कब फल होगा, तो जो 100 गमलों में आम के वृक्ष लगाए हुए हैं और किसान ने 2 पौधे लगाए अपने खेत में, आप समझ सकते हैं 100 पौधों की कितनी देखभाल होती है। फिर भी
सौ पौधे समय आने पर कितना आम का फल दे सकते हैं, और दो वृक्ष आम के पौधे किसान ने खेत में लगाए हुए, समय आने पर वो छाया भी देंगे और काफी तादाद में फल भी प्राप्त होगा। तो इंसानियत, मानवता, भाईचारा या अध्यात्मिक हमें संकीर्णता से बाहर निकालता है। क्यों? परमात्मा, हरि परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, ये ब्रह्मांड की रचना की है। तो आप समझ सकते हैं, अगर हम संकीर्णता में रहेंगे तो बाबूजी कभी भी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते। जैसे तमाम बगीचे हैं और वृक्षों की डालियों पर, टेहनियों पर कली निकलती है, कली बन के सूख के टूट गिर जाती है, कोई कली फूल बन पाती है, तो वो फूल विशालता में गया, उसकी खुशबू भी विशालता में रहती है। इसी तरह से घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, जीवन यापन के लिए, और हमें अगर जरूरत है तो जिन प्रभु परमात्मा हरि का न आदि है न अंत है, न जन्मते है न मरते हैं, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान, इन हस्तियों का नाम आता है, भगवान करके आगे पूजा होती है। तो बाबू जी ध्यान रखो, दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या कहती है, दुनिया में फंसने की जरूरत नहीं। मकड़ी मकड़ जाल अपने धूप से बनाती है, उसी में फंस कर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस मानव मंगल मेरे सद्भावना समागम में कोई किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोल और उनको शीतल करे, आपको शीतल। क्यों? उस संसार, संसार रूपी राशि में आपका कोई दुश्मन न था, न है, न ही होगा। अगर है, पाप कर्म ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, इसलिए किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं रह जाती है। संतों ने बड़े प्रेम पूर्वक क्या कहा है कि माया मलिन मन मरे मरमर जात शरीर, आशा कृष्णा ना मरी करेगा। जिस तरह से आप अपने परिवार में परिवार के सदस्यों के पुजारी हैं, समाज में समाज के पुजारी हैं, तो बाबूजी कानून का भी पुजारी बनना चाहिए। अगर हम कानून का पालन करेंगे तो कानून हमारी हिफाजत करेगा, कानून को तोड़ेंगे तो कानून हमको छोड़ेगा। इसी प्रकार देखें, परिवार के मुखिया ने परिवार को सही सलामत रखने के लिए कुछ परिवार के नियम बनाए। कोई परिवार का सदस्य नियमों को तोड़ता है तो परिवार का मुखिया उसे डांटता है, भटकाता है, नहीं मानता तो दंड भी देता है। क्यों? वो परिवार की सलामती के लिए कर रहा है, परिवार के विकास के लिए कर रहा है, परिवार की उन्नति के लिए कर रहा है। उस परिवार के मुखिया की परिवारिक जनों से कोई दुश्मनी नहीं। समाज में भी कुछ ऐसे इंसान होते हैं, उस समाज के लिए अपने जीवन की आहुति दान देते हैं। इसी प्रकार सरकार का कानून है, अगर सरकार का कानून तोड़ेंगे तो कानून हमें दंडित करेगा। पिता परमेश्वर हरि परमात्मा का भी विधान है,
जो आने वाले महापुरुषों को जानकारी दी जाती है। किसी स्तर पर हमें परमात्मा के विधान को नहीं तोड़ना। सरकार का अपराधी दुनिया में कहीं छिपा रहे, एक दिन पकड़ा ही जाता है। जो सरकार का अपराधी पकड़ा जाता है तो बाबूजी परमात्मा का अपराधी बचे ही नहीं सकता है। बड़ा भली बात जानते हैं, मानव कम दुर्लभ है। मिलेंगे बारंबार, जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल फूटने जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को दोबारा डाली पर थावा नहीं लगा सकते। जब इतनी जानकारी हो गई तो समझना चाहिए। तो जिस तरह से परिवार के पुजारी है, समाज के पुजारी है, तो हमें ईमानदारी निष्ठा के तहत राष्ट्र का भी पुजारी एक पत्थर सैनिक बनकर ईमानदारी निष्ठा से राष्ट्र का भी पुजारी बन जाना चाहिए। उसमें ईमानदारी निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। हाथ के सच्चे लंगोट में पक्का होना बहुत जरूरी है। और श्रीमान जी परमात्मा भी समर्पण के बगैर उनको बात बनती नहीं है। समर्पण करना ही पड़ता है। हमारे द्वारा मिल को बात कहा गया है, भले ही हमारे द्वारा चौकीदार बन के काम करते बगल में किसी से रुपया पैसा बच्चों पता सोना चांदी को भी बंगला जमीन जाया भीगा मोदी जबारा खाना भोजन कुछ लेते नहीं। हमारे पास जमीन है, उससे हमारा काम चल रहा है। परिवार के लिए हम मर चुके हैं, रिश्तेदारों को मर चुके हैं, हम दोनों लोगों के साथ रहते हैं, दुनिया की बातों से हमारा मतलब नहीं। जब आप इस मानव मंगल में सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, सत्य के साथ में पहुंचे हैं, साधु वैसा चाहिए जैसे सुख सुहाय साल साल को पहले होता गए। आपसे ये निश्चात प्रेम का भाव होना चाहिए, मोहब्बत की भावनाएं होनी चाहिए। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, दुनिया क्या कहते हम नहीं जानते। जन्म लेने वाला मरने वाला न कभी परमात्मा था न है और न ही होगा। अगर वो परमात्मा है तो सृष्टि की रचना करके दिखाया। मैनपुरी जिले में इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन हो रहा था। एक श्रीमान जी पंडाल में आए खड़े हो गए, सर पर कपड़ा बांधे हुए थे, मोर पंखी लगी हुई थी, यहाँ पेट पर फेंटा बंधा हुआ था, बांसुरी लगी हुई थी, सब तमाम चित्रों में देखा होगा, बड़ी नमूना बना के। तो हमने पूछा, श्रीमान जी आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम श्री किशन है। तो हमने कहा, श्री किशन और द्वापर वाले, हमने उनसे कहा एक बात बताओ बाबूजी, हम बाबूजी क्या है, एक बात बताओ। फिर हमने कहा, श्री किशन जी एक बात बताओ। द्वापर के श्री किशन जी ने अपनी गंदी उंगली पर गोबर घर पहाड़ को उठा लिया, आप घर में रहने वाला सिलवट्टा जिसमें नमक मिर्च मसाला बटा जाता उसे उठा के निकाल दो तो दांत निकालेंगे। श्री कृष्ण जी ने तो यमुना में शेषनाग कालिया नाथ का किस्सा सुना होगा, करके निकाल दो। तमाम ऐसी बातें आती हैं। तो बाबू जी ढोंग पाखंडा डमर अमर गुस्सा ठाकुर सुना से बचो, जो भ्रम है धर्मों से बचो। इस समय आपको उत्तर प्रदेश में प्रांत के मुखिया आपके पूजनी आपके माननीय सम्मानी योगी आदित्यनाथ जी हैं, तपेश्वरी सो राजेश्वरी राजेश्वरी सो नजमेश्वरी। अगर उनकी तपस्या न होती तो बाबूजी राज पद पर बैठे दिखाई न देते।
जिन्हें आप देश का प्रधानमंत्री मानते हैं, अगर उनकी त्याग तपस्या न होती तो उस पद पर दिखाई राजयोग राजयोग को भी तपस्या बना सकते हैं अगर बनाना चाहेंगे तो। और तपस्या तो भी संसार बना लो अपने हाथ में है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आधारी भांत जानते हैं, बुरे कर्म करेंगे तो परिणाम बुरा ही आता है, अच्छे काम करेंगे तो परिणाम अच्छा ही आता है। कर्म ने श्रीमान जी किसी का पीछा नहीं छोड़ा, राजा हो चाहे बली हो चाहे अलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी कर्म ने किसी का पीछा नहीं छोड़ा है। आपका सौभाग्य मेरा आपको और होगा, उसका सौभाग्य होगा, दो भिन्न भिन्न पदों पर बैठ जाते हैं, बन जाते हैं। इस सत्य की कमाई से ही धन धान्य पद मिलते हैं, वैसे उपलब्ध नहीं होते। आप देख सकते हैं भिखारियों की कमी तो है, कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है, कोड़ियों की कमी नहीं। जब हम किन्हीं मार्गों से कछिलापुर से गुजरते हैं तो तमाम कोड़ी वो कोड़ी दिखाई देते हैं। बाबू जी जब इस मानव मंगल मिलन जब हम समागम में पहुंचे हो, घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी हो गई, व्यापार करते हुए परिवार का लालन पालन बढ़िया होगा, लेकिन टेंशन काम ही को जितना इकट्ठा करोगे संग्रह करोगे वही तोर पैदा कर देगा छोड़ेगा नहीं। सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं मानो तो वेदों का शास्त्रों का पुराणों का अध्ययन करो, न मानो गौरव पुराण का अध्ययन करो, समझ में आ जाएगा। मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। किस्सा कहानी हमको भी आती है, यहाँ बैठकर हम किस्सा कहानी करें, आपका समय बर्बाद करें, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अगली सांस का तो भरोसा नहीं है। और स्पष्ट वेदों में आया है अंत माता सुनोता सत्य प्रभु परमात्मा हरि का स्मरण करते हुए सांस निकले तो समझो बिना पार हो। और इच्छाओं का स्मरण करते हुए सांस निकले की फिर सांस प्राण गवाह है। 84 लाख जन्मों में भ्रमण करो, लखीपुर खीरी में यही मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन चलता था। वहां पर मिस्टर श्री राजकुमार द्विवेदी एडवोकेट, लगभग उनकी आयु इसी में 85 वर्ष की होनी चाहिए, 60-65 साल की उनकी वकालत है, अपनी वकालत करते हैं। हमने उनसे पूछा, पंडित जी आपको तो तीनों वेदों का ज्ञान है, एक बात बताओ 84 लाख कामियां होती है। उन्होंने कहा वेदों में स्पष्ट लिखा होती है, और भी कई विद्वानों से मुलाकात होती है, फिर तभी नहीं होता है। लेकिन हमारे द्वारा सीधा सीधा कह दिया कि परमात्मा ने कर्म करने को दुनिया को स्वतंत्र छोड़ दिया है और भोगने के लिए प्रथम। अगर ऐसा प्रावधान न होता, विधान न होता, तो बाबू जी 84 लाख योनियों का विधान होता ही नहीं। कितना भ्रम हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जन्मकाल में डूबे हुए ढोंग पापड़ का कमर अंधविश्वास ढकोसला से तुम्हारा अंतःकरण तो साफ हो नहीं सकता, तो परमात्मा को उपलब्ध कहां से हो जाओगे? कि क्या न नर है न ही नारी है, तुमने बॉडी ये छोड़ दो। इतिहास बताता है, वेद शास्त्र पुराण बताते हैं, साधु संत महात्माओं से मुलाकात हो तो वो भी अपनी वाणी में बताते हैं। और आपने सुना होगा कि बिना गुरु के गति नहीं। एक चोर पहली बार चोरी में पकड़ा गया, जेल चला गया, जमानत पे छूट कर आया,
अब उसने डकैती करना शुरू कर दी, कत्ल करना शुरू कर दिया। तो किसी ने पूछा, भाई तू तो चोर था, डकैती कैसे बना? तो उसने कहा, जेल में तमाम गुरु भंडार होते हैं, गुरु भंडारों ने हमें शिक्षा दी, चोरी डकैती की लूट की कत्ल की भाई हम कर रहे। तो भैया यहाँ पर हम आपको वो शिक्षा नहीं दे सकते जिससे लूट मार करो, चोरी करो, डकैती करो। हमारे द्वारा आज तक किसी को प्रवास बनाने की अनुमति नहीं दी गई। हम जानते हैं बनाने वाले क्या करेंगे, किसी को नहीं दी। आप लोगों को भी समझना चाहिए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार मजदूर से चार पैसा कौन पसीना से पैदा करते हो? अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाओ, मकान दुकान में लगाओ, सत्य के बल पर परमात्मा को किसी प्रकार के धन की जरूरत नहीं होती है। जिस पर मेहर करता है होती है, बाकी अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य स्पष्ट हो गया। संचित कर्म प्राप्त कर्मों से ही जीव कर्म में आता है, ये सभी कहता है। जब ये सारी बातें समझ में आ रही है, मेरी आदि को समझना चाहिए। रजतम सत्व रजगुण तमोगुण सत्वगुण, ये पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणी माया में लिखा है मान है। इस माया से छुटकारा केवल हरि परमात्मा के अलावा और ब्रह्मांड में देखे नहीं सकता। तो हमारे द्वारा कितनी बार कहा गया है, हम तो हर बार चौकीदार बन के आवाज है, चाहे जागो जागते रहो, लेकिन अनेकों बार कहा है, परम सदगुरु बनकर हरि परमात्मा ही तो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम कर रहे होते तो चढ़ावा चढ़ावाते, हम कर रहे होते तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य देखते, हम कर ही नहीं रहे। तो शरीर तो निमित्त मात्र है, तो यहाँ किसी प्रकार के ढंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास की जरूरत नहीं। एक फल का साथ यहाँ से उठ के जाओ संसार में कर दो, तो संसार का अध्याय आपका कितना मोटा हो गया है, संसार का अध्याय का साथ आपका कितना मोटा हो गया आप समझ सकते हैं। तो सत्य के साथ मारी हो, यहाँ सत्य का अध्याय जुड़ रहा है। कोई प्रॉब्लम समस्या जीवन में आती है तो सत्कर्म ही आपको बचाता है। दुनिया में कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता करता है, क्योंकि जहां दया होती है वहां न्याय नहीं होगा, जहां न्याय न्याय है वहां दया नहीं होगी। सूक्ष्म में समझ लीजिए, परिभाषित करने की जरूरत नहीं रह जाती है। तो जो मौका मेरा है, वक्त मेरा है, समय मिला है, घर परिवार में रहते हुए खेती वाली नौकरी व्यापार करते हुए संत जनों का मान सम्मान आदर करते हुए अपने जीवन को खुशहाल बना लो। आप अपने जीवन को सत्य की खुशबू से ओत ओत करा लो। दुनिया में जाओ, मोह कंचन और कामनी, मोह ममता, लोभ काम वासना, ये मेरी अपना पराया, किस किस प्रकार की आग लगी हुई है। कभी कभी विचार करो तो समझ में आता है कि आग कब बुझेगी, ये आग कब बुझेगी। और आप ये भी जान सकते हैं, जान लीजिए, ब्रह्मांड में परिवर्तन स्वाभाविक है। परिवर्तन कैसे होगा ये तो हरि परमात्मा ही जाने, दुनिया में कोई जान नहीं सकता और जानने की कोशिश भी न करे। जो आप सुन रहे हैं, आपका अंतःकरण मन मंदिर चाहता है तो ग्रहण करो, व्यवहार के रूप में कर्म में डालो, आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। यहां को दिखाई देती सच्चाई है, देश सत्य सच्चाई का साधन
न दे सकते हो तो स्वयं को गंदगी में गंदगी के साथ खेलने की जरूरत नहीं रह जाती। एक बच्चा है 5 साल का 6 साल का अपनी मम्मी के सामने रो रहा है, मम्मी को दया आई, उसने एक एक अठन्नी दो ठंडी होती और कहा कि वो रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा, जानते हो कहा ये अठन्नी तो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना, एक अठन्नी से अपने टॉपी ले लेना। बच्चा हंसता हुआ खेलता हुआ और अठन्नी को छांग करता हुआ जा रहा, पास में गंदा नाला बह रहा था, एक अठन्नी नाले में चली गई और देखो वो चल 5 साल का बच्चा कहता अच्छा तो क्या बोला हनुमान जी तुम्हारी अठन्नी नाले में गई तुम निकालो मैं ये चढ़ा। ये बाबूजी बात तो नहीं बनेगी। उधर कहते हो हनुमान जी हमारी मदद करते हैं और तुम हनुमान जी का ठंडी नाले में डालोगे तो हनुमान जी तुम्हारी मदद कैसे कर देंगे। यहां हमने देखा है इन लोगों को समझा है जिसको देखो वो यहां पहुंचने की धन के पीछे पड़ा हुआ है, जो धन बटोरने के पीछे पड़ा हुआ है वो हमें दुश्मन समझ सकता है। हम किसी को लेते तो नहीं, हमें मतलब हम इतना जानते हैं सेवा का मौका ईमानदारी निष्ठा के तहत जो है सबको मिलना चाहिए। तो ये ईमानदारी का शरीर मिला है, अगर आप निस्वार्थ रूप में पुरुषार्थ कमाएंगे परमार्थ कमाएंगे निस्वार्थ सेवा में जाएंगे तो अवश्य ही आपका जीवन खेल उठेगा, आपके जीवन में सत्य की सुगंधि होगी और आपको जीवन जीने की कला मिलेगी। आपको जीवन में कितना ही दुख आए परेशानियां आए आपको जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा, आप किसी का बुरा नहीं कहेंगे, आप किसी के प्रेम किसी प्रकार की मर्यादा नहीं रखेंगे। ये आप जान रहे हैं कहा संतों ने चींटी के पग नेवर बाजे वो भी हरी सुनते हैं, तो चींटी के पगों को हम पड़ों को हमने अपने देखा है पैरों को या उस चींटी की आवाज को सुनते हैं तो हमने तो बाबू जी आप लोगों के घर का जकीरा बन के बताया है। परमात्मा आपके कानों से सुन रहे हैं, आपकी आंखों से देख रहे बचते जागे ही भटकने की जरूरत नहीं, कहां भटकोगे कहां तलाश करें परमात्मा को। उतरा वृंदावन जाए हरिद्वार जाए काशी विश्वनाथ जाए केदारनाथ बद्रीन जहां मन की जाओ इतने मिशन साल का पंथ है वहां जाओ गुरु की सदगुरी कही जाओ कि आपकी मर्जी हमें तो जरूरत है नहीं, अपने यहां तो कोई किसी प्रकार का प्रचार प्रसार भी नहीं है शुरू से। अब आप आ गए तो हम भी हरिद्वारा चौकी रात बन गए आपकी सेवा निस्वार्थ करने के लिए हरिद्वारा चौकी रात बन कर आवाज दे रहे जागरूक जागते रहो। आए कई घाट से उतरे कई घाट अपने अपने कर्मों से हो गए बारा बाबा। बाबू जी समझ सकते हो मरने वाले मर मर के चले गए, राजा रहे बली रही ना होली ना संतरी रही ना मंत्री। आप ये भी जानते हो कि श्रीमान जी खड़े हो गए डीडी भारती चैनल, आप लोग हमें कभी चैनल में भी नहीं देखते हो क्यों? हमको जो खेती से मिलता है हमारा काम चलता है, हमारे पास इस तरह धन नहीं जो हम टीवी चैनल में जाए बीस दे सके हमारे बस की बात नहीं, हम समाचार पत्रों में जाए हमारे बस की बात नहीं, अपने बापों की कृपा से मिलता है तो काम चलता।
आप लोग क्यों आए हैं? किसी ने निमंत्रण तो दिया नहीं, निमंत्रण डाक तो भेजा नहीं, जब आए हो तो समझ ले हरि परमात्मा संस्कारों के कारण परमात्मा का संदेश आपके अंतःकरण को मिला। जब परमात्मा ही संदेश दे रहा है तो फिर दुनिया में संदेश की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। हाँ श्रीमान जी, पत्रकार महोदय, आप क्या कहना चाहते हैं बोलिए। नारायण हरि की संपूर्ण ब्रह्मांडी सदा सदा के लिए जो देवता जनपद फरुखाबाद शहर फरुखाबाद के समस्त मानव प्रेमी भक्तगण और जो आयोजन कराने की कमेटी है उन समस्त महापुरुषों को समझ लेना चाहिए। एक आनंद आनंद की स्थिति में प्रविष्ट कर देना चाहिए कि जो आप देख रहे हैं वो होता तो रोजाना है, प्रत्येक दिवस होता है। इस समय आप देख रहे हैं अनगिनत संतों को, महात्मा महापुरुषों को, देवी स्वरूप के चढ़ आपके फरुखाबाद में पड़े हैं, तो यार आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। शुद्ध विचारों से मन बनाओ और देवी स्वरूप देवता स्वरूप संतों का दर्शन करो, बड़ा भागी हो जाओ, धन्य भागी हो जाओगे और चलते रहे इसी प्रकार से जीवन आपका सफल हो जाएगा। किसी से तकरार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इतनी जानकारी सब को है और मान के चले कि परमात्मा से कुछ छुपा हुआ नहीं है तो बाबूजी न अपराध होगा, न विचार होगा, न ही रंगा कोली होगी, मतलब कोई बुरा कर्म कोई दर्शन नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं, हम भूल जाते हैं, विशाल देखते हैं और देखने वाला तो देख रहा है कि जब यहां तक पहुंचे हो। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, उन्हें मन में भली भांति बैठा लो, जो रचयिता है तो समझो परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं तो आपको जिनको जरूरत है आस्था श्रद्धा के तहत अपनी आंखों में अपने आराध्य के प्रतिबिंब को बसाओ। जब प्रतिबिंब बसेगा तो हृदय से प्रीति की फुहारें फूट जाएंगी, चलते रहोगे जीवन में आनंद लेते हुए और अंत मत सोगता हरि ही सामने खड़े होंगे। फिर आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, आप कैसे चलते कैसे नहीं, यहां से जो संदेश है वो समझ संसार रूपी समाज में जाता है। यहां का जो संदेश है पत्रकार महोदय जी के बताए मुताबिक भी या वैसे भी हर शब्द ब्रह्मांड में जाता है। जब तक क्रिया नहीं कर देता है तब तक वो शब्द लौट के वापस नहीं आता है। पत्रकार महोदय को भी पुष्ट किया जा रहा है, पढ़े लिखे समझदार समझ गए, इतने समय उन्होंने हकीकत का बयान किया, वास्तविकता का बयान किया तो हकीकत उन्हें वास्तविकता ने स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट कर दिया। जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, दूसरे महीने आप लोग जिन वाहनों से आते हैं, सर्दी का मौसम है, कोहरा वगैरह भी होने लगता है, चालक महोदय जो गाड़ी चलाते हैं उन पर ध्यान रखो कि झपके न लगा जाए। समय अनुसार अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान कर सकते हैं। जो अभी आपसे कहा, अगर चालक महोदय को लगता है झपके तो कहीं रोककर मुंह धुलवा सकते हैं, चाय की व्यवस्था है तो भैया चाय भी पिला सकते हैं। हमारा विचार होता है आप लोग दुनिया में घरों से निकलकर
इस मानव मंगल मिलन चंद्र हम समागम हरि परमात्मा के तौर पर पहुंचे हैं। सुरक्षित आए स्वच्छ दुनिया में घर पहुंचे मंगल में घर पहुंचे और वो काम आपको करना ही चाहिए। आगरा के तहसील एहतमपुर के अमरखेड़ा में चल रहा था, जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और वहाँ पर महायज्ञ हुआ था, उसी वहीं पर ये हरि परमात्मा चल रहा था। तो कम से कम स्वर्गीय तो लगा ही सकते थे। प्रधानमंत्री वाजपेयी वहाँ पर आए हुए थे, उसी अमरखेड़ा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर महायज्ञ हुआ था। देखिए वहाँ पर उनसे भी बहुत बड़ा महायज्ञ हुआ था, हम वहाँ पर पहुंचे थे और ये हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म इसी तरीके से सिंहासन पर विराजमान थे। और जब हरि परमात्मा वहां पे जाते जाते एक इशारा कर रहे थे कि देखिए आपने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन पहाड़ों पर बाढ़ आते आपने नहीं देखी होगी। इन हरि परमात्मा ने संकेत किया था, जाते जाते हम अपने चाचा जी के साथ गए थे वहां पर और देखिए सब असम में जब पड़ गए, हरि के माध्यम से वाणी आई थी कि पहाड़ों पर बाढ़ आएगी, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था, कोई नहीं समझ पा रहा था। ये हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म और समापन करके जाते हैं और हरि परमात्मा के मुखारविंद से यही वाणी आई थी कि देख लेना पहाड़ों पर बाढ़ आएगी और फुल्ला हो जाएगी। हरि परमात्मा गए इधर और शाम को 8 बजे टीवी चैनल बोलने लग गए उत्तराखंड के अंदर महाकुल्ले आ गई है और वहां पर पहाड़ फट गए हैं और वहां पर तो इतनी महाकुल्ले है कि लाखों की जनहानि हुई। ये अंतर्यामी जगत के स्वामी जी नजर है तो भविष्य की पहाड़ फटे के बादल फटे। देखिए हम भी यहाँ पर ऐसे ही रहे हैं। श्रीमान जी आपके सम्मुख हरि के नाम से आई थी इंडिया में, अगर लंका पति रावण वेदों में शास्त्रों में पुराणों में देखा कि समझ सकते ना द्वापर का वेद क्या कहता है, श्री कृष्ण जी शरीर का नाम श्री कृष्ण जी रहा होगा, कहां के थे तो महापुरुष बताते हैं। श्री कृष्ण जी पांडव श्री कृष्ण जी के बुआ के लड़के बताए जाते हैं, शांति का संदेश लेकर श्री कृष्ण जी दुर्योधन कौरवों के पास जाते हैं, प्रस्ताव रखा कि पांडवों को 5 राम दे दो मैं उन्हें मना लूंगा। लेख कहता है, लेख बताता है कि दुर्योधन ने कहा कि तुम 5 गांव की बात कहते हो, मैं स्वयं के योग नहीं दूंगा, हिम्मत है तो युद्ध करके। वही क्या क्या लेख बताता है हमारी भाषा में नहीं। दुर्योधन ने कहा सैनिकों से, सैनिकों ग्वाला को बंदी बना दो। बाबूजी महाभारत की दुनिया में वही से हमने सरक किया, उसके बाद इतिहास बताता है अपने सर्वनाथ ब्रह्म से ऐसा बोलकर अपने सर्वनाश का फाउंडेशन कौरवों ने रख दिया। जब तक पांडवों को सिंहासन नहीं मिल गया तब तक श्री कृष्ण द्वारका वापस नहीं गए, कौरवों का नाश हो गया। आज ऐसे कितने भूम रहे संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार दिमाग में रखना चाहिए। जब यहाँ आयो अभी कोरोना काल चल रहा है, शासन प्रशासन प्रशासन ने आपको अनुमति दी हुई है COVID-19 के पालन में जो शर्तें हैं आने वाले महापुरुषों को उन शर्तों का अनुपालन करना चाहिए, क्योंकि हमें शासन का भी आदेश मानना है प्रशासन का भी मानना है। इससे क्योंकि
अगर आप कानून का पालन करेंगे तो कानून आपको साथ देता है, कानून को तोड़ेंगे तो कानून दंड देता है। देखिए प्यारी प्यारी सत्संगत, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं छुट्टी का दिन था और टहलने के लिए निकल पड़े, तो देखिए होता क्या है, हम साइकिल को लेकर के जा रहे हैं, तभी वो कच्ची कच्ची रास्ता थी, एक साइड में झुका हुआ खेत था और एक साइड में अरहर का खेत था, जिधर से झुका हुआ खेत था उस साइड से एक काला नाग भयंकर 7-8 फीट लंबा और आ रहा था। देखिए ऐसे सुनसान जगह पर कहीं पर भी कोई काला नाग मिल जाता है अच्छे अच्छों की हवा खराब होती है, उसी प्रकार ऐसा ही हुआ, हम अपनी साइकिल को लेकर के जा रहे थे और काला नाग आ रहा था, काले नाग को देख करके हमारे भी दिल में ऐसा ही हुआ, हमने कहा ये काला नाग है इसको पहले निकल जाने दो, फिर हमारे दिमाग में विचार आया कि ये काला नाग बाद में निकल जाएगा हम निकल जाते हैं, फिर ऐसे ही विचार आया कि इसको निकल जाने दो हम बाद में निकल जाएंगे, ऐसे ही होता गया। सुनोगे अदृश्य वर्तमान क्या होगा और तुमने संस्कार भी पूरा करा दिया अतीत का और तुमने धर्म भी किया होगा। तो देखिए होता क्या, सोचते विचारते समझते रास्ता गया करके हम समझ भी नहीं पाए कि क्या होगा, इतनी देर में वो साइकिल के पहिए पर आ गया, छोटी साइकिल थी 20 इंची की, इतनी देर में और कुछ भी हम समझ पाते कि वो साइकिल के हैंडल पर आ गया और भी कुछ हमारी समझ में आता कि इतनी देर में उसने नाग ने हमको अपने आप में लपेट लिया, नीचे से लेकर के ऊपर तक लपेट लिया, और वो नाग इतना भयंकर खूंखार हो गया था कि हमारे चेहरे पर फन पे फन मार रहा था, वो फन पे फन मार रहा था, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता हम करेगा। और देखिए होता क्या है, साइकिल तो छोटी थी, बैठे करके खड़े हो गए और दोनों हाथों से अपना बचाव कर रहे थे, नाग तो फन पे फन मार रहा था लेकिन समझ नहीं सुन रही थी कि होगा क्या, समझ नहीं आ रही, हमारे मन में तो पूर्ण रूप से हो रहा था कि ये तो काल है और ये काल आज हमको मार के छोड़ेगा, लेकिन देखो उसी वक्त क्या होता है, इन हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म की जो मूल मंत्र है उसका हमको ध्यान आया और हमने कहा कि नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जब हमने मूल मंत्र का उच्चारण दिया और वही नाग छोड़ करके हमको और अरहर वाले खेत में भागे, देखो यही संपूर्ण ब्रह्मा है, संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचैया और संपूर्ण सृष्टि के संहारक, इनके अलावा तीन लोग में कोई नहीं है, इन्होंने हमारे प्राण बचाए, हरि परमात्मा ने जीवन दान दिया, हम समझे जब इनके नाम में इतनी शक्ति है हरि परमात्मा के दर्शन में कितनी बड़ी शक्ति है, कमजोर कोई नहीं है। आप लोग करीब करीब लाखों की तादाद में इस समय लखनऊ आ गया, नीचे बैठी सवारियों ने कहा भैया सो रहे थे कि हम बस थोड़ी देर लगेगी, इलाहाबाद आने वाला है, इलाहाबाद आने वाला, तो आपको यहाँ सोच दी जा रही है, सोच ही दी जा रही है, मानव का दुर्लभ है मेरे बारंबार, जिस तरह से किसी ब्रिज पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है अगर वो फल फूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को फावर डाली पर नहीं लगा सकते, तो आज बाबू जी आपको सोच ही पूरी जा रही है, समझ में जा रही है, जिस दिन नारी का तन मिला है आए के लिए आए थे हरि भजन को वो तन लगे कपाल, भैया सीधी सी बात है, अब वो इलाहाबाद पहुंचे वहां जाके हो सकता है किराए भाड़ा का न बचाओ कुछ भी हो सकता है, तो लखनऊ पहुंचना उनका संभव नहीं, तो दुनिया है ये, दुनिया गिरता है सत्य का मार गया सत्य का, तो समझ लो महापुरुषों की वाणी कहती है गुरु की जे जान करो पानी पी गए, बड़े बड़े डेकोरेशन मिलेंगे सब कुछ होगा, आपको लखनऊ जाना है तो लखनऊ की ट्रेन में ही बैठना,
इलाहाबाद वाली में बैठेंगे तो द्वारा का रूप पहुंचना संभव नहीं होगा, 84 लाख में जाना ही पड़ेगा। न मानो तो करोड़ पुराण होने के देख लेना, मोगे बार बार नहीं मिलते, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। किस्सा कहानी हम यहां कहते रहे, आपकी सांसों को हम बर्बाद करें, हमारा कोई स्वास्थ्य है नहीं किसी प्रकार का, हम आपकी सांसों को बर्बाद नहीं करते। सांस सांस में हरे भरे वृद्धा सांस मत खोल, ना जाने जा सांस का आवन होए न होए। बाबूजी याद रखो आपकी बहन बेटी जो सदमार्ग पर चलते हैं, सत्य परमात्मा ही हमारी मदद के लिए सदकर्म हमारा तैयार कर हो जाता। दूसरे हमारे द्वारा मुख में भी अनेकों बार कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता, इसलिए सेवादार बनो, इंसान बनो, मानव बनो, परमात्मा बनने की कोशिश मत करना। क्यों बेटा कभी बाप को भी नहीं सकता। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, अगर आप रचना करके दिखा दो तो अपने को घोषित कर देना, दसू ले पूरी कोशिश कर ली कि मेरी भगवान हूं। अंत में जो हकीकत का भगवान था उसके हाथों पद की कराना पड़ा। क्यों परमात्मा बनता नहीं, परमात्मा तो जस की तस था है और रहेगा, इसलिए लोगों की भूल भुलैया की तरफ जाने की कोशिश करोगे तो जानो। अगर दान देना चाहते हो अपना आत्मिक दान परमात्मा को समर्पित करके कर दो, इससे बड़ा दान देने तुम्हें कोई भार ना है ना ही। संस्कारों की बात आई महाभारत के दौरान, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी का नाम आता है, दानवीर कर्ण के पास पहुंचे और दानवीर कर्ण को बताया कि तुम शूर्पुत्र नहीं हो, चाहे तुम तो कौनते हो, कौनती बुआ के बेटा हो, तुम सबसे बड़े बेटा हो, चलो पांचों भाई तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम सम्राट बनोगे, लेकिन उनकी दोस्ती तो दुर्योधन जी से की, संस्कार का पीछा नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण जी से मना कर दिया, अब जो होगा होता रहे, भले ही वो मैं उनका बड़ा भाई हूं पांडवों का, मेरे छोटे भाई हैं, मैं कुंती पुत्र हूं, लेकिन अब मैं पांडवों से नहीं मिल सकता। अंत क्या हुआ, अंत क्या हुआ, गुरु से झूठ बोले, गुरु से कपट में उनसे चोरी के हो, निर्धन के हो, होड़ी कर्ण जी अपने गुरु पर शाम से झूठ बोले, मैंने श्राप दिया, उसी श्राप का प्रणाम महाभारत में कर्ण का रथ का पहिया उसका जमीन निकालने को तय कर दूसरे रथ पर अर्जुन श्री कृष्ण जी के सारे पर और कर्ण का वही पद पर बाबू जी लोभ लोभावनी अति मीठी बातों की तरफ अचानक मोड़ नहीं जाने लगे। खट्टा खाते हो तो खाने से पहले परख लो इसका परिणाम क्या होगा, मीठा खाते हो तो देख लो इसका परिणाम क्या होगा, कड़वा खाते हो तो देख लो इसका परिणाम क्या होगा। अगर बिना विचारे जो करे सो पाछा पछताए और काम बिगाड़े आप नाम जग में हो तो आज का दौर है चमक दमक
के दर जाऊं, जहां भी जाऊं, कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है, हमें क्या करना है, हमें शासन प्रशासन की आज्ञा का पालन करना है, हमें हमें ईमानदारी निष्ठा से राष्ट्रभक्त भी बनना है। जब ये बनोगे तब समझ में आएगा अब हमें परमात्मा की भक्ति करनी है। त्याग करोगे तपस्या बनेगा और तपस्या से ही वैराग्य मिलेगा, वैराग्य के बाद ही समर्पण की स्थिति होती है। उसके लिए आपके सच्चे रंगों के पक्के ईमानदारी निष्ठा का होना नितांत आवश्यक है। जो ईमानदारी निष्ठा से कार्य करते हैं उनके तो मूल्य उठती रहती है, वो सच्चा कार्य कर रहे हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। हाँ जी, और क्या कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि और जंगलों में जाकर के बहुत तपस्या की, उनके शरीर बद्धि में गड़ गई, उनके शरीर बद्धि में आई और संसार से चले गए। उन व्यक्ति ने हरि परमात्मा के तर्क नहीं कर पाए। प्यारी प्यारी शास्त्रंग हम और आप कितने बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि आज अपने इष्ट देव नारायण सागर हरि संपूर्ण ब्रह्म के साकार में दर्श कर रहे हैं। इनके अलावा और तीनों लोग में कोई नहीं है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए इस भूलोक पर स्वामी तुलसीदास ने रामायण में क्या कहा है, संत समान का महान कथा था, तुलसी दुर्लभ दो शुद्ध गारा और लक्ष्मी पापी के ऊपर हो। इस संत गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए तुलसी के रामायण की संतों का समागम और हरि परमात्मा की संत वर्णा का दुर्लभ है। जैसे आकाश में सूर्य दुनिया के वैज्ञानिक और दुनिया बैठी होकर के भी सूर्य को पकड़ नहीं सकती, इसी तरह से गोस्वामी ने तुलसीदास ने बंधा दिया। लेकिन राणा ने हरि परमात्मा ने कितना सुलभ कर दिया, कैसे कर्म करो मेरे नाना मन राखो जहाँ हरि मिलाना, इतना आसान कर दिया। अब कहीं रुकने की जरूरत नहीं, बर्बाद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ढंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास नहीं करते। आपके पास भेदभाव नाम की कोई चीज है ही, मानवता को जोड़ा जाता है, बिक्री हुई मानवता में बेहतर किया जाता है, इंसान की परती में लाया जाता है, जीवन यापन के लिए परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी घर पर मजदूरी करनी ही पड़ेगी, किसी के धन पर कुछ दृष्टि डालना खतरे की धमकी होती है। लेकिन हमारे हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म ने हमको जीते जी यहाँ पर ब्रह्म लोक दिखा दिया है। यही ब्रह्म लोक है जहाँ पर नारायण सागर हरि स्वयं यह सिंहासन पर विराजमान है, यही ब्रह्म लोक है। देख लो देवी स्वरूप बहन है और भाई देवता स्वरूप भाई बैठे हुए हैं और हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म सन्मुख सिंहासन पर विराजमान है, यही है ब्रह्म लोक। पूरी बात अभी चल रही है, ढंग से समझ में आए नारायण सागर हरि संपूर्ण ब्रह्मांड के महान नायक इस भूलोक पर जरूर आ गए हैं। देखिए सभी का नाम जितने भी आए, हम पर्दा हटा रहे तो बवाल में तुम ही फंसोगे, तुम जानो तो हंस जाते काम काम परमात्मा नारायण सागर हरि संपूर्ण ब्रह्म आ गई है। आपके अलावा तीनों लोग का कोई नहीं है, फिर दावे का साथ कहते हैं यही संपूर्ण ब्रह्म है। किसी का नाम भाई अच्छा तीन अक्षर से बड़ा नहीं, आज मेरे परमात्मा का नाम नारायण साकार हरि इतने बड़ा किसी का भी नाम नहीं है और यही संपूर्ण ब्रह्म है, इतने बड़ा जो लोग कोई नहीं है। हम कह रहे हैं आपको सारे कोई जय श्री राम जय राम जय श्री राम राजी हरे भाई, सबका अपना अपना विचार है अपना अपना मन है। परमात्मा ने क्या कहा, परमात्मा कहते हैं क्या, समुद्र दुनिया के लोगों ने समुद्र का विभाजन कर दिया, पृथ्वी एक थी
परमात्मा कहते हैं मानव एक था, परमात्मा क्या कहते हैं मैं एक था, मेरे भी टुकड़े कर डाले, अब मानवता के टुकड़े कर रहे हैं। परमात्मा ही कहते हैं अब मैं खामोश बैठने वाला परिवर्तन का समय आ गया होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये तो हरि परमात्मा ही जाने, उनकी लीला स्वयं के अलावा कोई ब्रह्मांड में जान ही नहीं सकता है। संकेत तो मिलते रहते हैं, वो सजग सतर्क होते हैं तो संकेतों को कहते रख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा जिसने पढ़ी है अंग्रेजी भाषा को पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, बोल भी सकता है। जिसने अंग्रेजी भाषा को पढ़ा नहीं न पढ़ सकता न लिख सकता है न ही बोल सकता है। क्यों? परमात्मा की भक्ति में ही शक्ति होती है, भक्ति से ही आनंद मिलता है, भक्ति से ही। कर्म धर्म कर्मयोग धर्मयोग राजयोग तमाम तमाम है। हमारे द्वारा सुनने में कहा गया है कर्मों को कई विभागों को कई भागों में विभाजित किया गया है। कर्म 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 संकर्म तमाम प्रकार के हैं। आपको इशारा कर दिया निस्वार्थ निःशुल्क, अगर आप कर्म करेंगे पुरुषार्थ परमात्मा कमाएंगे इसी का लाभ सदकर्म बनता है। और स्वार्थ में जो कर्म करते हैं तो 84 लाख का फंदा दूर से दिखाई देता है। प्यारी प्यारी संगत प्रेम से बोलना की संपूर्ण ब्रह्मांड में शरण सभा के लिए जयकार हो, जयकार हो, जयकार हो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में शरण सभा के लिए जयकार हो, जयकार हो, जयकार हो। जगत जननी सकल महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में शरण सभा के लिए जयकार हो, जयकार हो, जयकार हो। श्रीमान जी आपके वन इंसानियत की बात यहां बोले, आप यहां जानते हैं तो आध्यात्मिक की बात बोले। यहां पर आप पत्रकार हैं, आपने क्या देखा क्या नहीं, उन बातों से यहां कोई सरोकार नहीं, उन बातों का यहां उल्लेख नहीं करना चाहिए। अगर हम इंसानियत का साथ नहीं दे पाते हैं, मानवता का साथ नहीं दे पाते हैं, तो मानवता को विभिन्न तोड़ने की बात भी नहीं कहनी चाहिए। आप समझ सकते हैं यहाँ आपकी बात लाखों की तादाद में महापुरुष आपकी बहन बेटियां सभी सिर्फ कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में किसी भी स्त्री पुरुष का ये धर्म नहीं बनता था कि वो अपनी भाषा से किसी के दिल को दुखाए। अगर हम किसी के हृदय को शांति नहीं दे सकते तो किसी के हृदय को दुखाने की भी जरूरत नहीं है। जो आपने कहा बहुत कह दिया। अभी आप बोले बोलेंगे ऐसी बात का शासन प्रशासन नाम की बीमारी सेटअप करने तब क्या करोगे, तब क्या करोगे? अरे परमात्मा हमको जो है वो बता रहे, हमने किसी की आलोचना नहीं की, किसी की बुराई नहीं कर रहे हम। यार आप पत्रकार महोदय हैं, हम भी मानवीय थे, विश्व थे, उन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यहाँ तो केवल मानवता भाईचारा एकता में एकता मानव मानव को गले लगाना मानव मानव से प्रेम करना टूटे ही मानवता को जोड़ना फिक्र ही मानवता को इकट्ठा करना इंसानियत का संदेश देना मानव धर्म सभ्यता है और रहेगा। जो आप बताने जा रहे हैं वो विषय नहीं है।
वो विषय शासन प्रशासन का जाता है, उस विषय में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमारा विचार तो ये अपने शासन प्रशासन के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं। अरे हम तो कह रहे हैं आप तो भाई देखो आप तो आप हैं, आपसे देश करना हमारी बस की बात नहीं, हम तो आपसे देश कर ही नहीं सकते हैं कि हम जानते हैं जानकारी ना हो तो जानते हम देश के ऊपर हम ये भी समझ रहे हैं कि आप रियलिटी को जो रियल बात है उसको रख रहे हैं लेकिन उस रियल बात को रखने का यहाँ पर समय नहीं है, ये स्थान उस रियल बात को रखने का नहीं है। इसलिए हमने आपको अनुग्रह किया है कि घर का जब चौकीदार बनकर निवेदन किया है प्रार्थना की है तो हमें भी ये घर का जब चौकीदार बनकर हम भी चाहते हैं कि आप हमें भी कृपा करें। हमारी मनीषा रहती है जो महापुरुष ईमानदारी निष्ठा का परिचय देते हैं परमात्मा का वचन मान के चलते हैं परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई लालन पालन करते हैं उनकी वही दुनिया है वो उसी दुनिया तक सीमित है। आप उस दुनिया में रह करके उस दुनिया से हटके आगे बढ़ रहे हो तो आप समझ सकते हैं अपनी अपनी बात रखने का स्थल होता है समय होता है बात रखी जाती है जो बात आप रखने जा रहे हैं बिल्कुल सत्य है लेकिन ये स्थल उन बातों को ना रखने की जरूरत नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।